भारतीय लोकशाही मूल्य का पूरा विश्व सम्मान करता है, जहां विभिन्न आंदोलन अहिंसा एवं चर्चा के माध्यम से लड़ी गई, क्योंकि हमारी लोकशाही में हर व्यक्ति को अपने विचार एवं भावनाएं व्यक्त करने का हक दिया गया है। लेकिन जब इसी आजादी का कोई अगर गलत इस्तेमाल करे तो उस बात का समाज का हर एक घटक निंदा करेगा और अपना विरोध तीव्रता से जताएगा, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई राजनीतिक पार्टी। बुधवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी इसी आजादी का गलत इस्तेमाल किया, जहां डीएवी स्कूल में परिवहन समिति का गठन हो इस मांग को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल जोस कुरियन इनसे अपमानास्पद वर्तन किया, जिसका स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने तीव्र निंदा की। इस घटना के आसार गुरुवार को नेरुल में दिखाई दिए, जहां कोई राजनीतिक पार्टी चर्चा का मार्ग छोड़कर जबरदस्ती से अपने विचार लादने की कोशिश करेगा तो उसका समाज का हर स्तर विरोध करेगा। इसी बात का एहसास डीएवी स्कूल के शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थियों ने किए आंदोलन से दिखाई दिया, जहां मोर्चे में सहभागी होने वाले हर एक शख्स इस घटना की तीव्र निंदा कर रहा था। शांतिप्रिय लोगों पर हिंसा, शांतिप्रिय लोगों पर हिंसा, शिक्षकों में अत्याचार। इस घटना के बाद डीएवी स्कूल के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर के बी कुशल ने घटना की तीव्र निंदा की और इसके विरोध में डीएवी स्कूल की हर शाखा बंद रखी जाने की बात कही। उसी के साथ स्कूल के हर विद्यार्थी की सुरक्षितता हमारी प्राथमिकता होने की बात भी उन्होंने कही। देखो, ये एक शैक्षणिक संस्था पर प्रहार हुआ है और जो हमारी संस्था है उसकी गरिमा पर एक प्रहार है, उससे हम सब बहुत आहत हुए हैं। प्रिंसिपल स्कूल के लीडर रहते हैं और उसमें असंख्य विद्यार्थियों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का विश्वास रहता है, तो संवाद की के स्थान पर यदि हम हिंसा से बात करेंगे तो उससे बात तो नहीं होगी और उससे बहुत ज़्यादा वातावरण दूषित होता है, तो हम नहीं चाहते कि ये वातावरण दूषित हो। और आज की जो प्रतिक्रिया है टीचर्स की, पेरेंट्स की, हम सब की, वो प्रतिक्रिया उसका विरोध करने की है, ताकि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें शिक्षा का काम चले और यदि कोई बात है उस बात को हम ठीक ढंग से एक दूसरे के सामने रखें और उसका सुझाव निकालें। इससे जैसा कि आप देख रहे हैं विद्यार्थियों में, टीचर्स में, पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा रोष है और सभी डीएवी संस्थाएं इस बात का विरोध करती हैं और हमारे विरोध का मूल कारण जो है वो ये है कि ये शैक्षणिक वातावरण संस्था का कई सालों के लिए, कई महीनों के लिए, आने वाले काफ़ी समय तक लिए जो है वो दूषित हो जाता है, उसमें काम नहीं चलता है और इस प्रकार एक समाज की और शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी हानि होती है। उसी के साथ नवी मुंबई के अन्य स्कूलों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए अपना विरोध जताया। तुम्ही पाहिलं असेल की मुलांनी सुद्धा त्याच्यासाठी, कारण त्यांनाही दुःख वाटलेलं आहे की आमचे जोस कुरियन सर जे एवढे चांगले आहेत त्यांच्या डोळ्यात अश्रू पाहून मुलांनाही वाईटच वाटलेलं आहे, त्यामुळे आम्ही सगळ्या पालकांनी आणि इथे राहणाऱ्या काही शिक्षकांनी सुद्धा त्याच्यासाठी प्रोटेस्ट हा दर्शवलेला आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की असं पुन्हा हे घडू नये आणि यासाठी मला जे गुंडागर्दी झाली याबद्दल फार खेद वाटतो आणि मला त्याचा धिक्कारही वाटतो आणि वाईट फार वाटतंय। पूरा सपोर्ट हम लोग स्कूल का तरफ से करेगा, पूरे पेरेंट्स हम लोग आज हम लोग को ज्यादा लोग को पिकड़ने के लिए नहीं हुआ, अभी कल वो इधर इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो हम लोग पूरा पेरेंट्स आके हम लोग प्रोटेस्ट करेगा। ये आमच्या सरांच्या केबिन मध्ये जाऊन त्यांना मारलेलं आहे आणि सगळी मुलं तेव्हा एवढी हजारो मुलं शाळेत होती आणि आमचा आम्हाला पण धोका होता, पण आमच्या सगळ्या शिक्षकांनी त्यांना इथून पळवून लावलेलं आहे आणि आमची रक्षा केलेली आहे। इस पार्श्वभूमि पर नवी मुंबई एरिया एसोसिएशन के स्कूल के प्रिंसिपल ने वाशी के फादर एग्नेस स्कूल में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां इस घटना की निंदा करते हुए उन्होंने अपना विरोध जताया। पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ एक ही मैसेज है हमारी तरफ से, कानून के अंदर काम करो, कानून से बाहर मत जाओ। हम बच्चे को यही सिखाते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी से यही निवेदन कर सकते हैं। वो तो सब बहुत जरूरी है, बहुत हो रहा है, जरूर हो रहा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो तो हो रहा है। इस बात को कितना खेदजनक मानते हैं जिस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, आप जैसे कह रहे हैं?
नहीं, पेरेंट्स नहीं मांगते पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को, कुछ लोग उनके कारण के वजह से ये सब कर रहे हैं। इलेक्शंस होगी उसके वजह से कर रहा होगा। साथ ही इस मुद्दे को लेकर सेंट मेरी स्कूल के प्रिंसिपल इब्राहिम जोसेफ ने शुक्रवार को नवी मुंबई एरिया एसोसिएशन के अंतर्गत के तकरीबन 100 स्कूल स्कूल बंद आंदोलन करेंगे ऐसी जानकारी दी। ऑलमोस्ट 100 स्कूल्स इन नवी मुंबई एरिया स्कूल्स एसोसिएशन एंड द मैसेज हैज ऑलरेडी गिवन टू ऑल द स्कूल्स बाय द प्रेसिडेंट फादर अल्मेडा रिगार्डिंग द इंसिडेंट एंड वी आर एक्सप्रेसिंग आवर सॉलिडैरिटी टू डीएबी स्कूल and we have decided to close down the school tomorrow. It's a very pathetic and a shocking news for us because it happened in one school, it may happen in other schools also. But the political parties to be restrained from all such actions because we teach peace and we want peace. हालांकि जहां हम जन लोकपाल विधेयक की मंजूरी के लिए अनशन एवं चर्चा का मार्ग स्वीकार कर रहे हैं, जिस कारण सरकार भी सकारात्मक हो रही है, वहां अगर किसी विषय पर चर्चा से मार्ग निकल सकता है, वहीं पे कोई राजनीतिक पार्टी दड़पशाही और असभ्य वर्तन कर क्या हासिल करना चाहती है, इस पर चिंतन होना जरूरी है। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ जैन कबराल की रिपोर्ट।